नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूँ आपके साथ आरती। रोजाना की तरह एक बार फिर से हाजिर है अपना स्पेशल प्रोग्राम और आज का राशि फल लेकर, जहाँ हम आपको बताते हैं कि आज का दिन आपका किस प्रकार से गुजरने वाला है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि राशिफल का व्यक्ति के जीवन में काफी महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में आसानी के साथ जाना जा सकता है। आपको बता दें कि ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल में हमेशा बदलाव होता रहता है और इसी वजह से हमारे दैनिक जीवन में हमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। आज 18 जनवरी शनिवार का शुभ दिन है और आज भगवान शनि देव की कृपा कुछ राशियों के ऊपर होने वाली है, जिसकी वजह से कुछ राशि वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आ सकता है, आपके इन सभी सवालों का जवाब अब आपको आज के इस राशि फल में मिलने वाला है। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। बता दें आप लोगों को कि मेष राशि वाले लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आज का दिन आप लोगों के लिए काफी खुशनुमा रहने वाला है। आज आप पार्टी करने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जीवन के इस चरण पर आप लोगों को काफी ज्यादा खुशियां भी मिल रही है। करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिल सकता है। वृषभ राशि, कहा जा रहा है कि वृषभ राशि वाले लोगों को अब विदेश जाने का मौका मिल सकता है। शिक्षा में निवेश करने के लिए ये पल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बताया जा रहा है। ये समय बात करने, सुनने और बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने का है। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि आज का दिन ना आप लोगों के लिए चुनौती भरा और खुशियों भरा भी रहने वाला है। मिथुन राशि, आज आप लोगों को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है और अपनी कमियों को अपनाने की जरूरत है, अपनी कमियों पर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन में आज काफी ज्यादा खुशियां आ रही हैं और आज शाम को आप कोई अच्छी सी फिल्म भी देखने जा सकते हैं। कर्क राशि, कहा जा रहा है कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और दूसरे लोग आपकी योजनाओं को अब हकीकत में बदलने का काम करने वाले हैं। आपके व्यापार को समर्थन देने के लिए लोग तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य अब आपका पूरी तरीके से साथ दे रहा है। सिंह राशि की बात करते हैं। बता दें आप लोगों को, सिंह राशि वाले लोगों को बड़े ही शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं और अब आप लोग कई तरह की नई योजनाएं बना सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक रहने वाली है। अब आप लोगों को दूसरों का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज के दिन आपकी कोई ऐसा व्यक्ति मदद कर सकता है जिससे आपने उम्मीद भी ना रखी हो। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये कहा जा रहा है करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और बहुत कुछ अब आपकी जिंदगी में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये समय है दूसरों से बातचीत करने का, ये समय है अपने रिश्तों में मधुरता लाने का। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो आपको बता दें कि आज आपके हाथ असफलता लग सकती है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी से बिना बात के वाद विवाद में ना फंसे, क्योंकि ये वाद विवाद भविष्य में आपके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। वृश्चिक राशि की अब बात करेंगे। आपको बता दें कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा बताया जा रहा है, कई लाभ मिल सकते हैं देखने को और अब शिक्षा के साथ साथ आप किसी तरह के नए कोर्स में भी शामिल हो सकते हैं। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास अब सफल होने वाले हैं। धनु राशि की अब बात करेंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि वातावरण का इन्हें साथ मिलने वाला है। आसपास जो भी लोग हैं वो अब आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आज के दिन आप लोगों को अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखने की जरूरत है। मकर राशि, मकर राशि के लिए ये बताया जा रहा है कि आज आप आध्यात्मिक रूप में अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। आध्यात्म की तरफ आप लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज आप अपने परिवार के लोगों के साथ किसी मंदिर भी जा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कहा जा रहा है
कि आज इन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, आज का दिन इन लोगों के लिए बड़ा ही असामान्य रहने वाला है। कुछ अजीब घटना इनके साथ अब घटित हो सकती है। मीन राशि, चलिए अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो कहा जा रहा है आज आप लोगों का दिन काफी ज्यादा मजेदार रहने वाला है। विचारों को साझा करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अब आप लोगों को आंतरिक खुशी मिलने वाली है और बाहरी खुशी भी मिलने वाली है। कहा जा रहा है अब आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है जिसका इंतजार आपको सालों से था। तो ये था आज का राशिफल।